नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच, स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में। जानने के लिए अक्टूबर 6 का खास पाठ। नेशनल कोचेस डे या राष्ट्रीय प्रशिक्षक दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी कोचों के समर्पण, अनुशासन और कड़ी मेहनत को सम्मानित करने का एक अवसर है, जो उनसे जुड़े लोगों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। प्रशिक्षक या कोच एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति या समूह को किसी विशेष क्षेत्र में कौशल और ज्ञान प्रदान करता है, उन्हें मार्गदर्शन करता है और उनके प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए सहायता करता है। प्रशिक्षक का कार्य केवल तकनीकी रूप से प्रशिक्षण देना ही नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी मार्गदर्शन करना होता है, ताकि प्रशिक्षु अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। प्रशिक्षक कई अलग अलग क्षेत्रों में हो सकते हैं, जैसे खेल प्रशिक्षक, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, व्यावसायिक प्रशिक्षक, जीवन प्रशिक्षक या लाइफ कोच। कोच या प्रशिक्षक की भूमिका खेल और जीवन दोनों में ही बेहद महत्वपूर्ण होती है। प्रशिक्षक केवल एक शिक्षक या मार्गदर्शक ही नहीं होता, वे हमारी क्षमता को पहचान कर उन्हें निखारने का कार्य करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हार जीत, सफलता असफलता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन मेहनत और समर्पण से हर मुश्किल पार की जा सकती है। वे केवल तकनीकी प्रशिक्षण ही नहीं देते, बल्कि अनुशासन, धैर्य और मानसिक दृढ़ता के बीज भी बोते हैं। खेल प्रशिक्षक अपने अनुभवों के माध्यम से खिलाड़ियों को बेहतर रणनीति, खेल भावना और टीम वर्क सिखाते हैं। उनके बिना एक खिलाड़ी भले ही प्रतिभाशाली हो, पर उस प्रतिभा को सही दिशा में ढालना मुश्किल हो सकता है। संक्षेप में कहें तो एक प्रशिक्षक न केवल खेल की शिक्षा देता है, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है, जैसे अपनी हार से सीखना और आगे बढ़ना, और अपने लक्ष्यों को कभी न छोड़ना। कोच या प्रशिक्षक सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में उस सीढ़ी का पहला और आखिरी पायदान होते हैं। और अंत में, क्या आप जानते हैं 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड विधान यानी इंडियन पीनल कोड पारित हुआ था, जिसे 1 जनवरी 1962 से लागू किया गया था, और 6 अक्टूबर 1990 को न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी।